हबीबी कम टू दुबई। ये बकायदा तो पता चलेगा कि तुमने कोई मटन बिरयानी खाई है। डब्बे जैसे वॉशरूम थे और मुझे वेलकम किया था खटमलों में काट काट के। अगर किसी और की तरफ देखा तो दांत तोड़ के छोड़ूंगी भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू शोसना व्लॉग्स। तो भाई आज हम लोग आए हुए हैं पाक लियारी की मशहूर बिरयानी खाने के लिए, क्योंकि जो है वो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी थे जिन्होंने रिकमेंड किया था कि भाई आपने दुबई आए और अगर यहाँ की बिरयानी नहीं खाई तो मतलब आप दुबई आए क्यों। तो आज हम लोग आ गए हैं अपने कजन के साथ, उमर के साथ, उसकी फैमिली के साथ बिरयानी खाने के लिए। बिरयानी खाएंगे, देखेंगे कौन कौन सी होती है, चिकन होती है, बीफ होती है, टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि भाई इतनी वर्थ इट है या नहीं। तो भाई हमारे साथ है हमारे कजन, अस्सलाम वालेकुम। इन दोनों से तो बहुत दफा मिल चुके हैं, फिर से मुलाकात हो रही है आप सबसे। डेफिनेटली सब पाक लियारी का हम लोग जो है वो आज ट्राई करने वाले हैं। आप लोगों ने खाई है पहले? ट्राई हमने खाई है, बहुत जबरदस्त है भाई और वाकई में मजा आएगा आपको खाके। चलो कराची वाली तो मिर्चों से भरी हुई होती है ना, ये बकायदा तो पता चलेगा कि तुमने कोई मटन बिरयानी खाई है। अच्छा हाँ, डेरा सिटी सेंटर में इस वक्त हम लोग यहाँ पे हैं। बड़े ही जबरदस्त रौनक वाला इलाका लग रहा है भाई, मेरे लिए भी लगा हुआ है, सही लग रही है। ये देखो भाई छोटा सा एक एक्वेरियम लगा हुआ है यहाँ पे। कौन सी टेबल है भाई? ये है एक छोटा सा यहाँ का सेटअप। तो भाई इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि चिकन बिरयानी खाने वाले हैं और यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं हम लोग चिकन बिरयानी। चलो फिर तुम बीफ खाओगे ना फिर। हाँ बीफ, एक बीफ। तो भाई ये तीनों है बीफ बिरयानी और जो वहाँ रखी हुई है चिकन बिरयानी जो कि बच्चों के लिए चिकन आई है। अच्छा एक मिनट रुको, मैं बताऊँ कैसे आएगा ये। हाँ, ये आपने निकालनी ऐसे है। उमर भाई करेंगे। हाँ प्लेट्स ये काम है। देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये आपने ऐसे करके ऐसे डालनी है। सही है, ऐसे ऐसे डालनी है। अच्छा अगर व्हाइट राइस तुम्हें रखने हैं तो राइस साइड पे रखो, मिक्स नहीं करना। अयान निकालो, प्लेट से निकालो, हाथ नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा देखो उसमें मसाला उस साइड पर है और व्हाइट राइस है, तो अगर स्पाइसी ज्यादा लगे तो व्हाइट राइस मिक्स कर लेना, वरना पूरा भी मिक्स कर सकते हैं। ट्राई करती हूं, एकदम बिल्कुल ये हल्के से स्पून पे बिल्कुल अलग हो। अच्छा ये व्हाइट राइस आ गया, ये पूरा मसाला आ गया। अगर ज्यादा मिक्स करना हो तो ज्यादा तेज कर लो, वरना व्हाइट राइस ऐसे मिक्स करके ऐसे कर लो। ये रायता स्पेशल रायता है इसका ना, इससे कई ज्यादा अलग स्टाइल का रायता है। ये थोड़ा गाढ़ा रायता है ना, दिखाइए जरा बीफ की। ये देखो ये काफी गाढ़ा रायता है और बिरयानी के साथ। ये इसका है मलाई बूटी के लिए इसने दिया है। हां मलाई बूटी बिरयानी बाकी है इसके साथ। हम लोगों ने अब स्टार्ट करनी है बिरयानी यार, बहुत ही मजे की लग रही है। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स यार आप ट्राई करने वाले इसको? मैंने 9 साल पहले खाई थी, अब्दुल्ला मामा के साथ आया था खाने के लिए। वो बर दुबई की ब्रांच थी इनकी। ये है कहाँ है? डेरा में। ये अलमुदीना डेरा में, अलमुदीना डेरा के अंदर है और सेम रेस्टोरेंट है, सेम बिरयानी होती है। जो 9 साल पहले तुमने टेस्ट किया था ना, आज भी वही टेस्ट मिलेगा, उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा तुम्हें किसी तरह भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई में जबरदस्त मजा आ गया। आई वो कराची वाली टेस्ट? हाँ जबरदस्त। कराची में, कराची में यहाँ फर्क क्या है? कराची में हम लोग बहुत ज्यादा मसाले और वो टमाटर वगैरह भी हो जाते हैं हमने, और साथ में जो टमाटर आलू बुखारे बहुत होते हैं, पेपर धनिया सब मसाले हर चीज इतनी बड़ी बड़ी हरी मिर्च। अब ये जो है ना, ये एक्चुअली इन्होंने मसाले क्लीन करके ही बनाते हैं। और ये देखो इसके अंदर, ये इसके अंदर देखो इतना तेल भी ज्यादा जो है ना प्लेट के अंदर, बहुत ज्यादा तेल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नॉर्मली बिरयानी के अंदर जो है वो जो प्लेट होती है तो उसके अंदर तेल बहुत ज्यादा पड़ा हुआ। तो जबरदस्त बिरयानी यार, खाओ और एंजॉय करो। मलाई बूटी आ गई है बड़ी जबरदस्ती। नान नान के साथ खानी है वैसे? वैसे खाओगे ज्यादा मजा आएगा, नान के साथ खाओगे ऑलरेडी पेट फुल है। हाँ ये बात, ये मजा नहीं ले सकोगे। सही बात है। अच्छा बारबेक्यू खाने का अगर मजा है ना बगैर रोटी के? हाँ ये बात तो, जितना बारबेक्यू आप बगैर रोटी और नान के खा सकते हैं ना, उतना किसी तरह भी नहीं खा सकते। और लोग नान के साथ खाते हैं, पेट भर जाता है।
बारबेक्यू वही मजा खराब हो जाता है, मजा खराब हो जाता है, रियली टेस्ट नहीं ले पाते आप। मतलब इतना शक्ल टेस्ट है इसका, मसाला कम है इसमें लेकिन एट द सेम टाइम फ्लेवर बहुत और बहुत ही सॉफ्ट है, टेंडर है, गली भी बहुत अच्छी है। नहीं खाएगा ना कोई भी। तो भाई अयान बताने वाला है कि इसको बिरयानी कैसी लगी, बिरयानी लवर। बिरयानी तो बड़ी कड़क बिरयानी थी, मतलब चाय की तरह जैसे होती है ना, कड़क चाय की तरह कड़क बिरयानी के बराबर खाई है। हाँ, अल्लाह माफ करे। A few moments later. So, अभी हम लोग खाना खा के निकल ही रहे थे तो यहाँ पे हमारी सब्सक्राइबर मिल गई। क्या नाम था उनका? अफशा या अफशीन था। सो थैंक यू सो मच, जो है वो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप और आपकी फैमिली देखती है और जितने भी लोग यूएई से हमें देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा चलो, इसकी एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी सुनते जाओ भाई। पाक लियारी तो अभी बना है। ये वो जगह है जहाँ पे पहले इन्होंने गार्डन वगैरह बनाया हुआ था, ज्यादा लोग बैठने का, पाकिस्तानी एरिया पूरा का पूरा अलमुतीना कहलाता है। मेरी जो फर्स्ट रेजिडेंस थी वो उस गली के अंदर थी। इंतहाई को घटिया किस्म का विला था, इतना पुराना विला था कि एक डब्बे जैसे वॉशरूम थे और बहुत बुरा हाल था, मैं बता नहीं सकता। मतलब तुम समझ लो जो पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन के जो नहीं यार जो होटल होते हैं वो वाला हाल था यहाँ पे। और लेकिन वहां से एक चीज सीखी कि यार जिंदगी में ना हार नहीं मानता इंसान इस तरीके से। वहां से सीखा कि यार मतलब यहाँ से निकलना है और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के जब मैं यहाँ इस पार्क में खड़ा हुआ करता था तो गाड़ियां देखा करता था अक्सर कि यार ये वाली गाड़ी मैं लूंगा। और आज देखो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करने के बाद जो है वो मैं इस मकाम तक आ गया। इस पार्क में बहुत यादें हैं मेरी स्टार्टिंग की, मैं सोया भी हूँ अक्सर यहाँ पे, बड़ी शुगर लगी है। ये अलमुतीना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है शुरू से, क्योंकि मेरा सबसे पहला विला घर जो था, बेड स्पेस जो था वो यहाँ था, और मुझे वेलकम किया था खटमलों ने काट काट के और पूरे जिस्म पे लाल निशान बन गए थे। तो स्ट्रगल्स और मेहनत हार्डवर्क हमेशा गिव यू ऑलवेज पेड ऑफ। तो अभी आप मतलब फील करते हो अपने आप को कि सेटल दुबई में, या अभी भी ऐसा है कि कुछ कमी बाकी है? यार देखो चाहत तो कभी खत्म नहीं होती ना इंसान की, इंसान की जो ख्वाहिश है वो कभी एंड नहीं होती, ठीक है ना, वो हमेशा बढ़ती चली जाती है। जब मैं आया था तो मैं अकेला था और सबसे बड़ी बात यह कि कोई सपोर्ट नहीं थी, और जब सपोर्ट नहीं होती ना आपको, और आप जो अपनी पूरी दिल लगी से मेहनत करते हैं, आपको हर तरीके से कोशिश होती है। अशर भी आया था यहाँ पे माशाल्लाह, इसने भी काम स्टार्ट कर दिया था, बट ही वांट्स टू गो मोर फर्दर, तो ये उस अच्छे टाइम में निकल गया यहाँ से और आज मुझे यहाँ फंसा गया। खैर लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत सेटल हूँ, मेरा बेटा है, बेगम है, सब यहाँ रहते हैं। पहले मैं अकेला था, इसी रोड पे 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के जाना, के बस के पैसे बच जाए और ये हो जाए। 2-3 किलोमीटर जो है वो ये पैदल चल के आता था। मेरे भाई की शादी हुई थी 2015 की बात है, मुझे याद है, और 2-3 किलोमीटर ही आता था। उस टाइम पे मेरी जॉब हुई थी और हमारे पास लिटरली उस वक्त कुछ नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, सब कुछ है। तो वाकई में वो भी एक टाइम होता है आपका कि जो स्ट्रगलिंग का जो पीरियड होता है ना, वो बंदा सीखता है अपने और आगे बढ़ता रहता है। विजन जो हम हमेशा जो है वो व्लॉग में बताते हैं, विजन जो आपका होता है ना वो डिपेंड करता है, वही मैटर करता है कि आप आगे कितनी तरक्की करने वाले हैं। 2014 की बात है जब आप आए, 2014 में मैं आया, 2014 दिसंबर में, और 2015 में एक और कजन भी आया, फिर दोस्तियां शुरू हुई। लेकिन जो स्ट्रगलिंग है ना वो हमेशा आपको हार्डवर्क पे ऑफ करता है, तो कभी भी भाई हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगे रहो, खासतौर से यहाँ पे लगे रहो, लगे रहो। आपको जो आपका टारगेट है इंशाल्लाह 1 साल नहीं 2 साल नहीं 3 साल बाद आपको लाजमी मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता किसी का भी कि जो उसने सोचा हो वो उसको ना मिले, टाइम लगता है। किसी की किस्मत जल्दी होती है, किसी की किस्मत देर में जो है वो क्लिक करती है। माम तुम्हारे पास कुछ है बोलने को? माम माम सुन रही है, माम को अच्छा हस्बैंड मिल गया ना? नहीं भाई मेरी बेगम भी डॉक्टर है यार, डेंटिस्ट है, दांत सही करा ले तो कांटेक्ट करो। दुबई की रात को सोते सोते जो है उम्र का एक दांत जो है वो गायब हो जाता है। अगर किसी और की तरफ देगा तो दांत तोड़ के जोड़ूंगी भी मैं। और नहीं तो ये कि सुन कर देगी, वहां भी डर देगी, वहां पे जो करना कर लो बेटा। आगे से दांत बाहर। नहीं यार बहुत मजा आ रहा है और बहुत मुझे खुशी है तुम लोग यहाँ पर आए हो। इवन के मैं तुम्हें बड़ा छोटा सा वाक्य बताता हूँ, मैं कराची एयरपोर्ट पे था तो मेरा कजन वहाँ पे मिला, कोई 13 साल बाद हमारी मुलाकात हुई, और मुलाकात देखो कि वो सामने से आ रहा है और मैं इधर से आ रहा हूँ। मैंने कहा तुम किधर? मैं इधर, तो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, एक्चुअली सिडनी में ही रहता है।
तो फिर बातों बातों में तुम दोनों का जिक्र हुआ, और जब जिक्र हुआ तुम लोगों का तो उसने कहा भाई हम भी उनके व्लॉग्स देखते हैं, वेरी हार्ड वर्क फ्रॉम लास्ट 3-4 इयर्स एंड जस्ट कीप इट अप एंड गो ऑन फर्दर। अभी थाईलैंड जाना है तुम लोगों ने, मलेशिया, सारी दुनिया घूमनी है भाई, पूरी दुनिया ले पासवर्ड ले ले भाई जल्दी से। तो हम लोग आ गए इस वक्त फिली, और फिली मतलब किसी नाम का मोहताज नहीं है, यहाँ की कड़क चाय जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। जब भी आता था 10-12 साल 15 साल पहले, हमेशा जो है वो मेरे मामू लेके जाया करते थे ममजार बीच के पास, आई थिंक होता था, अगर मैं शायद रॉन्ग हूँ तो करेक्ट कर देना, तो है ना ममजार बीच के पास ही था, तो वहाँ पे लेके जाते थे और बड़ा इंजॉय करते थे हम लोग। बीच के पास जो है वो चाय का मतलब क्या मतलब टेस्ट होता था उनका, मजा आ जाता था चाय पी के। आज वहीं पे हम लोग चाय पीने आए कड़क टी, भाई चलते हैं हम भी फिली की कड़क टी पीने और देखते हैं कि आज भी इसका वही टेस्ट है बरकरार या फिर चला गया। नीम पता क्या है? क्या ये अब चाय है ना इनका स्पेशलिटी, ये बंदी को उन्होंने खड़ा करके वो चाय के पत्ते तोड़ रही है। हाँ, सही है, दैट इज द थीम एक्चुअली, दे आर शोइंग दैट वी आर ब्रिंगिंग द टी एग्जैक्टली फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स ग्रोइंग अप। सारी जाफरानी चाय बड़ी स्पेशल लग रही है भाई, पी के देखते हैं कितने अर्से बाद, ऑलमोस्ट 10 इयर्स लेटर।